हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 2022 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके। और मैं इतना मेहनत करके आप सबके लिए वीडियोस बनाता हूँ। सो आप लोग ये वीडियो देखना और दो तीन बार देख लेना, और क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। हुच कंट्री इज़ द वर्ल्ड सॉरी हुच कंट्री इन द वर्ल्ड वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल उसमें टॉप कौन सा कंट्री है उसको प्रोड्यूस करने में? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी यूएसए। सो कौन सा करेक्ट है आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी चाइना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तीन बार बोला मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। योबा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार आर द अवार्ड अनाउंस बाई हुई इंस्टीट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी। सो कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ध्यान रखना। सो थोड़ा सा नोट डाउन हम लोग कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ये जो साहित्य अकादमी अनाउंस ए लिस्ट ऑफ 22 विनर्स ऑफ द योबा पुरस्कार एंड द बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2021। सो 2021 के लिए 22 लोगों को ये दिया गया। द साहित्य अकादमी अवार्ड वॉज सेपरेटली अनाउंस फॉर लिटररी वर्क्स इन 20 लैंग्वेजेस, ध्यान रखना। साहित्य अकादमी ये सेपरेटली भी दिया जाता है, किस चीज़ पे? लिटररी वर्क पे, 20 लैंग्वेजेस इन वेरियस कैटेगरीज लाइक पोएट्री, नोबेल, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3। हुच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद द ताजिकिस्तान फॉर इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर नेक्स्ट ईयर। सो कौन से कंट्री ने रिसेंट साइन अप किया ताजिकिस्तान के साथ वो इम्पोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हुच इंडियन कंपनी हैज़ कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट पे है? सो ये आंसर होगा राजस्थान, ध्यान रखना। सो ये कौन से कंपनी के बारे में बोला गया? अदानी पावर, अजूर पावर, ऑप्शन सी टाटा पावर, ऑप्शन डी रेड न्यू पावर। मेरा प्रीवियस जो वीडियो जिन्होंने देखा फॉलो किया उनको पता है ये। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी अजूर पावर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज़ द हेड ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी हुच वॉज सेट अप रिसेंटली? ऑप्शन ए तरुण कपूर, ऑप्शन बी रमेश चंद, ऑप्शन सी बी के पॉल, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। सो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी तरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक 6। वेयर इज एपिलेट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO बेस्ड एट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, नैरोबी। सो कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। NEAT यानी नेट 3.0 इज ए प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विथ हुच यूनियन मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ध्यान रखना। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आप इंडिया का? धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी NEAT 3.0। इट इज़ ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एडुटेक सोल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, ध्यान रखना। ये एडटेक सोल्यूशन और कोर्स प्रोवाइड करता है कंट्री के स्टूडेंट को। द मिनिस्ट्री ऑल्सो लॉन्च AI
CTE prescribe technical books in regional language. It uses artificial intelligence for the personalized learning experience for better learning outcomes. Dhyan rakhna. Question number 8. Alka Mittal has been appointed as the first female chairman of which central public sector enterprise, yani CPSE. So iska option hai ONGC, SAIL, PAC, NTPC. Ye bahut important hai. Mere previous जो वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था. सो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ONGC. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द एक्सपायरी ड्यूरेशन फॉर ब्रिजेस इन इंडिया. जो एक ब्रिज रहता है इंडिया में उसका एक्सपायरी ड्यूरेशन कितने साल का है. 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, नो ड्यूरेशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नो ड्यूरेशन. ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. What is the aim of the SAR program recently launched by Ministry of Housing and Urban Affairs? SAAR. Dhyan rakhna. Ministry kaun sa hai? Ministry of Housing and Urban Affairs. Option A, Solid Waste Management. Option B, Documentation of Project. Option C, Geospatial Mapping. Option D, Climate Change Awareness. So right answer is option B, yani Documentation of Projects. SAR ka hum log dekh lenge full form, Smart Cities and एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAR प्रोग्राम. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग करंट अफेयर्स को स्किप मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25% क्वेश्चन रहता है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. सो थैंक यू सो मच.